हमारे सभी व्यूअर को बता दूं कि स्मैक के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आपको दे दूं कि एक स्मैकर जो होते हैं, इन्हें बनाने के लिए स्मैकर जो स्मैक जो तैयार किया जाता है, एक किलो अफीम में 30 ग्राम स्मैक बनता है। ये बात आपको तो पहली बात ही याद बता चुका हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अफीम बनाए कैसे, स्मैक बनाया कैसा जाता है। इसको बनाने के लिए एक किलो अफीम में जब उसको चूना के साथ गर्म किया जाता है और उसके साथ में एक केमिकल मिलाया जाता है जिसको एसीटेट यानी हाइड्रेट कहते हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं सेहत के लिए। इनके मिलाने के बाद एक किलो अफीम के में 30 ग्राम स्मैक बनता है, इसलिए इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए में किलो मापा गया है। पढ़े लिखे नौजवानों, खास करके मध्यम वर्ग के इस युवाओं का इस स्मैक के पार्टी में शरीक होना। यह स्मैक जो है शहर में ड्रग्स के जिस तरह से वैल्यू है, उस तरह से गांव में इस स्मैक का वैल्यू कहा गया है। स्मैक का नशा जो है काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इसे रोज आप देख रहे हैं कि रोज़ाना अपने क्षेत्रों में चोरी और कई तरह का घटना होते रहा है। इसे स्मैक के गिरोह के वजह से आज इस गांव अशांत नज़र आ रहे हैं। स्मैक के बारे में आपको बता दें, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए से अधिक किलो आंका गया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी इनकी कीमत 30 से 45 लाख रुपए किलो आंका गया है। मैं कहूँ तो हिंदुस्तान में स्मैक का नशा थोड़ा सा सस्ता ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ताओं को जब तक बढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ के नौजवानों में इसके क्रेज नहीं जब तक लाया जाएगा, तब तक ये सस्ता ही रखा जाएगा। ऐसा एक स्मैकर का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं बता दूं कि 1 किलो अफीम में 30 ग्राम स्मैक बनता है, और लगभग रखिए कि 1 किलो स्मैक बनाने में 33 से 35 किलो अफीम की ज़रूरत पड़ती है, और 1 किलो अफीम का कीमत आप तो पता ही होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग रात रात में झुंड बना के स्मैक के नशा करने के बाद गांव में देखिए किस तरह से चोरी करती हैं, दुकान में देखे किस तरह से। ये बहुत ही सख्त और सुसज्जित तरीके से लोगों के बीच प्रवेश करते हैं। वो खास करके दिमाग के थोड़ा ज़रूर ब्रिलियंट होते हैं, आम नशेड़ी के तरह नहीं होते हैं। जैसे कि आप समाज में शराब पीने वाले को देखे होंगे, गांजा पीने वाले को देखे होंगे, लेकिन ये स्मैकर थोड़ा सा अलग अंदाज में रहते हैं।
जिसके लिए उन्हें कई तरह के काम करने पड़ते हैं जो आए दिन आप समाज में देख रहे हैं। अभी हम अपने गांव की अगर हाल बताएं तो पिछले 3 महीने में 500 से अधिक चोरी हुई है। इस माइक पीने के लिए कम से कम 2-3 दोस्त आपस में या साथी जरूर होते हैं। माल लेके आइए जल्दी, जाना पैसा नहीं तो यहाँ से लेके जा, माल लेके आ। ठीक है जल्दी आ। आ रहे लो? हाँ आ रहे हैं। कितना देर में? पूरे 10 मिनट में आ रहे हैं। जल्दी पूरा आ जा। माल नहीं पी लिया है, गला सूख रहा है। ठीक है रख। मुमताज भाई और सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है? ठीक है मुमताज भाई, धंधा चल रहा है एकदम पानी। मुमताज भाई तुम लोग बताओ कहाँ बुलाया है भाई? मुमताज भाई बोल रहे थे कि पेमेंट के लिए आप माल जो दिए थे, पेमेंट जो करना था, पेमेंट सोचे कि आप कर देते हैं। पेमेंट कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है इंशाल्लाह, सब ठीक खैरियत है भाई। तुम लोग कमर को बढ़ाओ यार, तुम लोग। अरे मुमताज भाई जानते हैं बड़ा हम लोग को जो है ना कॉलेज के लड़कों पे अटैक करना चाहिए। करो करो यार, माशाल्लाह पास माल आता है बहुत रहता है, अपना नेटवर्क जो है थोड़ा बहुत विस्तार हो रहा है। अभी हम लोग मेहनत करेंगे साथ में यार। पिछला बैच कर दो, तुम पैसा भी कर नहीं दिया है। ताकि मैं बता दूं कि स्माइकर की पहचान कैसे करें। ये जो स्माइकर होते हैं हमेशा गंभीर मूड में रहेंगे, किसी से बात करते समय हमेशा सुनियोजित तरीके से पेश करेंगे। काफ़ी शालीनता हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें शालीनता आ जाएगा। हमेशा लज्जा जैसा महसूस करेगा, नहाना कम पसंद करेगा और लोगों से हमेशा दूर रहेगा। हमेशा अकेलापन ज़्यादा महसूस करेगा और अकेला रहना सबसे ज़्यादा इसको अच्छा लगता है। ये स्नाइकर का पहचान है। अगर ऐसे लोग अगर आपके बीच में हैं तो आप उस पर सतर्क रहिए और उस पर ध्यान रखिए। यही है वो कौन है?
प्रणाम सर। सर हम इस गांव से दो चार स्माइकर को अभी पकड़े हुए हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। हेलो गाइस, टीम द्वारा ये जो प्रयास हमारा रहा कैसा रहा आप अपने निश्चित रूप से कमेंट्स कीजिएगा, हम लोग को निश्चित प्रमोट कीजिएगा। और आर्यन ऐसे ही दोस्तों आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो इंतज़ार करें और बहुत जल्द आप सबके बीच जो है नई वीडियो आने वाली है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो देख के अपने दोस्तों को और अपने परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, वंदे मातरम।